अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं आया था यार मार्केट, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह की ख़रीदारी करने के लिए। तो मैंने देखा मार्केटों में वैसे ही रश है जैसा मौजूद होता है हर साल की तरह, यानी कि जिस तरीके से रश होता है उसी तरीके से बिल्कुल रश लगा हुआ है। चाहे महंगाई जितनी भी हो जाए, चाहे रेट जो भी हो जाए, तरबूज चाहे 300 रुपए किलो हो जाए, लेकिन लोगों की ज़रूरियात है, लोग ख़रीदते हैं। और रमज़ान एक ऐसा महीना, बाबरकत महीना, जिसमें अल्लाह पाक जो है, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को जो है वो करवा देता है, चाहे वो महंगाई जितनी भी हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक रमज़ान के महीने में एक ऐसा बरकती महीना होता है जिसमें जो है लोग भरपूर खर्च कर रहे होते हैं, और उनके पास कहाँ से आता है किसी को कुछ मालूम नहीं होता, किस तरीके से उनके पास सारी चीज़ें पूरी हो रही होती हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा तक नहीं होता, अल्लाह पाक सारी चीज़ें करवा देता है। तो रमज़ान एक बहुत बाबरकती महीना है, इसमें तमाम चीज़ों के अमल किया जाए, इस तरीके से रोज़े और तरावी वगैरह सारी चीज़ें जो है हमें लेके चलनी चाहिए, क्योंकि इस बरकती महीने के जो हमारे जो अमल हैं उनको हमें लाजमी करना चाहिए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैप्पी रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।